वैसे हम सब ये देख रहे हैं कि मुंबई में आई एन डी का उत्सव बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। पिछले दो वर्षों के कोरोना काल के पश्चात ये दही हंडी का उत्सव धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव वैसे तो मुंबई से लेकर मथुरा तक हर गलियारों में मनाया जाता है और मैं महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे और सम्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस का मन पूर्वक अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने दही हंडी उत्सव पे जो निर्बंध लगे थे कोरोना काल में जो अलग अलग किस्म के निर्बंध थे वो सभी निर्बंधों को हटा दिया। उसके साथ साथ उन्होंने जो गोविंदा पथक जिसमें बहुत सारे युवक युवतियाँ अपने अपने मंडल के माध्यम से आते हैं थर लगाते हैं और ऊंची मनोरे जिसको कहते हैं वो बनाते हैं, कभी कभार दुर्भाग्यपूर्ण वश से वो गिर भी जाते हैं, तो ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण वश से अगर वो गिरते हैं तो उन्हें अज्ञात होने के पश्चात 10 लाख रुपयों का बीमा का कवच किया है। ये पहले बार महाराष्ट्र में हुआ है। दूसरी तरफ उन्होंने दही हंडी ये साहसी खेल है और उसका खेलों के जो अलग अलग प्रकार है उसमें सम्मिलित करने का जो निर्णय लिया
जैसे हमने देखा कि चीन में ये मानवीय मनोरे जब बनाते हैं तो मानवीय मनोरों को साहसी खेल में लिया गया है, और ये साहसी खेल में लेके जाने के पश्चात उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आने वाले समय में जैसे कबड्डी होती है, प्रो कबड्डी होती है, प्रो क्रिकेट होती है, वैसे प्रो दहीहंडी उत्सव मनाया जाएगा। मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज देखा आपने बोरीवली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बोरीवली विधानसभा ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और इतनी भारी भीड़ यहाँ पर है, करीबन 7 बज चुके हैं और 3 घंटे का ये उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। मैं आपके ओर से पूरे भारतवर्ष में संतुष्ट जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। वैसे उनको उनको वो हक बनता है। सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे ने जो बयान किया उसका, जैसा हम कहते हैं ना कभी कभी जो सेंचुरी मारता है या क्रिकेट अच्छा खेलता है तो उसको वो हक होता है बोलने का, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसको उलटते हुए, यानी एक नई सरकार जिसमें हिंदुत्व का भाव हो, जिसमें जनता के प्रति विश्वास का भाव हो, जिसके बारे में चर्चाएं लगातार गलियारों में होती रही, गांव तक होती रही कि ये सरकार सचमुच लोगों की सरकार है, लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरने वाली सरकार है, इसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिंदे जी ने बयान किया उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। वैसे दहीहंडी महोत्सव जो होता है त्याच्याबद्दल आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की दहीहंडी उत्सव हा जल्लोषाचा आनंदाचा असा हा उत्सव असतो, आणि मग मुंबईपासून ते थेट उत्तर प्रदेशामध्ये, मग मथुरा असेल, वृंदावन असेल, गोकुळ असेल, प्रत्येक ठिकाणी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा हा उत्सव मोठ्या प्रमाणामध्ये आनंदाने साजरा केला जातो। आणि त्यामध्ये सांस्कृतिक कार्यक्रमाचं आयोजन मला आठवतंय की 2000 सालापासून ते 2019 मी वरळीच्या नाक्यावर दहीहंडी करत असे। 2019 पक्षाने बोरिवलीची जबाबदारी दिल्यानंतर इथे आमदार म्हणून कोरोनाच्या कालावधीनंतर बोरिवलीमध्ये सगळ्यात भव्य अशा दहीहंडीचं आयोजन केलं। सांस्कृतिक कामाबरोबर दहीहंडीचे मनोरे रचले जात आहेत आणि याचं तुम्हाला चित्रण करताना निश्चितपणाने आनंद होईल। मी या गोविंदा पत्रास मनपूर्वक शुभेच्छा। Thank you. Thank you. Are you from Sir? No, no. I'm from the.